वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ बेस्ट डायपर्स के ऊपर है, और इसमें डिफरेंट डायपर्स के बारे में आपको बताऊँगी। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कैन बेबी डायपर्स हैं, ये भी ज़बरदस्त हैं, आजकल ट्रेंडिंग हैं और बहुत अच्छा इनका रिव्यू आ रहा है। सब खवातीन जो भी न्यूबॉर्न बेबीज़ की मामा हैं वो बहुत सेटिस्फाई हैं इसको इस्तेमाल करके। रीज़नेबल प्राइस में है और बहुत अच्छा है। और इसके बाद है पैम्पर्स कंपनी का, ये थोड़ा कॉस्टली है और बहुत ही कम लोग इसको यूज़ करते हैं। कॉस्टली होने की वजह से बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो उनका बार बार पैम्पर चेंज करना पड़ता है, डायपर चेंज करना पड़ता है, तो ये कॉस्टली होने की वजह से खवातीन इसको प्रेफर नहीं करती हैं। तो आप चाहें तो ये बाय कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। और इसके बाद मामी पोको पैंट्स, ये तो आपने सुना होगा नाम और देखा भी होगा। ये बेस्ट एंड बेस्ट हैं, क्योंकि ये पैंटी स्टाइल में होते हैं, तो निकल्स वगैरह का आपको मसला नहीं होगा, लीकेज वगैरह का मसला नहीं होगा और रैशेज़ वगैरह का मसला नहीं होगा। और पैंपर्स जो होते हैं पेंटीज़ के अलावा जो होते हैं उनकी चिप होती है, चिप बाज़ों का ख़राब भी हो सकती है लगाते हुए, उतारते हुए या बच्चे को उठाते हुए, इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है फाइन बेबी। फाइन बेबी मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है कैन बेबी। ये सारे डायपर्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं ये सारे मेरे यूज़ किए हुए हैं। फाइन बेबी थोड़ा कॉस्टली नहीं है, लेकिन ये है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, आप इसको भी यूज़ कर सकती हैं। इसका ये है कि ये पेंटी स्टाइल में होता है, लेकिन पेंटी नहीं बनी होती, निकल स्टाइल में बना हुआ होता है बेबी, इसमें इजी रहता है और ये कॉस्टली भी नहीं है, अच्छा भी है, प्राइस भी रिजनेबल है। और इसके साथ साथ इसकी जो क्वांटिटी है यानी कि पीसेज हैं वो ज़्यादा होते हैं। जम्बू पैक, इकोनॉमी पैक, आपको हर पैक में ये मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं आप रॉकेट बेस्ट एंड बेस्ट है। सारे डायपर्स बेस्ट एंड बेस्ट हैं, एक दूसरे के मुकाबले पर ही चल रहे हैं। आप अगर सराउंडिंग में अपनी देखें तो इन्हीं नाम के पैम्पर्स डायपर्स आपको यूज़ करते हुए दिखाई नज़र आएंगे लोग। तो रॉकेट भी बेस्ट एंड बेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बेबी इजी रहता है। और ये सबसे बात ये है कि बेबी जिसमें इजी रहे वही डायपर आप यूज़ किया करें। इसमें अगर रैशेज हो रही हैं तो आप पैम्पर भी चेंज कर सकते हैं। अगर रैशेज ठीक नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ से तो आप लाजमी ऐसा करें कि पैम्पर चेंज कर लें, डायपर्स चेंज कर लें, कंपनी चेंज कर लें, कोई और ले लें। और ये है बोना पापा, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। सारे जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं ज़बरदस्त हैं और बहुत अच्छे चल रही हैं, यही चल रहे हैं आजकल। पैम्पर्स को, पैम्पर्स कंपनी के जो डायपर्स हैं उनको लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं और क्योंकि बच्चों के पैम्पर बार बार चेंज करने पड़ते हैं, यूँ मसला नहीं होता। तो ख्वातीन यूँ करती हैं, ऐसा चाहती हैं कि पीसेस भी ज़्यादा हों और लगे भी कम और प्राइस भी रिजनेबल हो। तो रिजनेबल प्राइसेस में आपको ये वाले ही मिल सकते हैं, केयर बेबी, कैन बेबी, रॉकेट, सिंपल बेबी और इसके साथ साथ बोना पापा और इसके साथ नाना। नाना स्मार्ट भी बहुत चल रहा है। नाना स्मार्ट भी मेरा खुद का तजर्बा है, मैंने यूज़ किया हुआ है। और सिंपल बेबी भी मैंने खुद चूज़ किया हुआ है, फाइन बेबी भी मैंने खुद चूज़ किया हुआ है।